देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दिन प्रतिदिन कितना गिरोगे? अपनी पत्नी का हाथ कोई ऐसे पकड़ता है क्या? देखो बाला, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाऊं जो इस उम्र में ना तो कभी बाप को उठाना चाहिए और ना ही बेटे को कतई अच्छा लगे। जाओ सब लोग यहां से। सुनाई नहीं दे रहा है? बाला, एकदम सही किया तुमने और आगे भी ऐसे ही करते रहना है ताकि एक दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी ना कर सके। समझे? बाबा, ये पानी पीजिए। दीदी चाय बना रही है, मैं लेकर आती हूँ। कैसे हैं आप? नहीं, सवाल ही गलत हो गया। ऐसे कैसे बन गए आप? तुम कहना क्या चाहती हो? देखा मैंने बाहर, बाला पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे आप। आपका ये रूप तो कभी देखा ही नहीं मैंने। और क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि बाला ने अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ा था और जो हर रोज आप मेरा भविष्य, मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, मेरे सम्मान को मरोड़ते आए हैं। तब कहाँ गया था आपका ये रूप? तब नहीं देखा मैंने आपको कभी चिल्लाते हुए। देखो चीजा भाई, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं होगी और निर्णायक बात होगी। अगर बाला का व्यवहार अपने पत्नी के प्रति बदतमीजी का है तो आपका भी मेरे प्रति व्यवहार बदतमीजी का ही है। अगर बाला गलत है तो आप भी गलत हैं। हाँ, गलत हूं। बाप बेटे दोनों भी गलत हैं। और कुछ? कुछ? जाओ यहां से। और हाँ, ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मेरा सबको लेकर बाहर जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। और ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या कहा था तुमने? मेरे लिए सही न्याय यही होगा कि मैं और तुम्हारे बाबा मिलकर एक बच्चा गोद ले ले। ऐसे लड़ोगे मेरी न्याय की लड़ाई? सुबह शाम अपना काम करते रहोगे और जैसे ही मैं दिखूंगी कहोगे कि मैं तो आपके ही न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। भीम, फैसला अभी के अभी होगा। अपने पापा को समझा दो
कि कल के कल ये मेरे साथ आएंगे और एक बच्चा गोद लेंगे। कल क्या, कभी भी नहीं जाऊंगा मैं। बाबा ऐसे गुस्से में फैसला मत लीजिए। देखो रमा, मैं बहुत सोच समझ कर शांति से आराम से कह रहा हूं कि मैं बच्चा गोद लेने नहीं जाऊंगा। और हाँ, यहां से भी जा रहा हूं, इस चाल से बाहर कहीं भी रह लूंगा लेकिन यहां नहीं रहूंगा। क्या रहूंगा तो सब लोग मुझे राय देंगे और इस रामजी सतपाल को किसी की राय की जरूरत नहीं। रुकिए, परिवार से भाग कर नहीं जा सकते आप। और तुम कब समझाओगे अपने बाबा को? शब्द खत्म हो गए तुम्हारे? बाबा सही कह रही है वो, ऐसे चले जाने से बात खत्म नहीं होगी। भीम, मैंने पहले ही कहा था मेरे और मेरे पति के बीच कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। ये बोलेगा, फैसला अभी के अभी होगा। रोज रोज इंतजार नहीं करूंगी मैं। हाँ बाबा, आज अभी हम सबसे बात करके आप एक ऐसा फैसला लीजिए जिससे इन्हें इनका न्याय मिल जाएगा। मुझे बात ही नहीं करनी है, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ठीक है फिर, आज बात नहीं होगी, फैसला होगा। दो विकल्प है आपके पास, एक तो ये कि कल आप मेरे साथ चलेंगे और एक बच्चा गोद लेंगे, या तो दूसरा, मैं ये घर और ये चाल छोड़कर निकल जाऊंगी। चीजा भाई, धमकी किसे दे रही हो? तुमको जहां जाना है जाओ, रुकूंगा नहीं। हर बार धमकी नहीं दूंगी, आज मैं जाऊंगी। सुनिए, जल्दी चलिए ना। कहाँ? आयर बाबा के बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया है। घर के सारे लोग सुलह करवाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर शायद हमें भी चलना चाहिए। क्या? जब घर के लोग सुलह करवा ही रहे हैं तो हमें जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी हम पर आए हैं, वरना अगर अपने होते तो ऐसे घर से बाहर नहीं निकालते। लक्ष्मी आओ बैठो, देखो डलिया मैंने कितनी अच्छी चाय बनाई है। क्यों नटवर? सही कह रहे हो आनंद भाव, अम्मा ने चाय तो अच्छी बनाई है। मगर आनंद, है तो तुम्हारे बाबा और आई है ना? हाँ डलिया अम्मा, है तो मेरे बाबा और आई, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ बैठकर चाय पीने में ज्यादा शांति मिल रही है। और मैं उस घर से दूर हूं तो उन लोगों को शांति मिल रही होगी, इसलिए मैं यहां ठीक हूं। लक्ष्मी आओ बैठो। आजा बेटा, आनंद इतने प्यार से बुला रहा है तो आजा बैठ, मैं लाती हूं चाय। दे आजा। घर छोड़कर मत जाइए ना रमा,
मुझे समझाने से अच्छा है अपने पति को समझाओ, मेरा सामान बांधने तक अपने बाबा को तैयार कर ले। जीजा भाई, इतने महत्वपूर्ण फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं। बाबा भीम, इस विषय पर बहुत बात हो चुकी है, हर रिश्ते के बीच बात करने की जगह होती है, समझने समझाने की सीमा होती है, वो सीमा हम दोनों भी लांघ चुके हैं। अब इस विषय पर बात करने की कोई जगह नहीं बची है, इसलिए मुझसे बात मत करो, ठीक है? ठीक है, इस विषय पर बात नहीं करूंगा। बस एक बार इतना सोच लीजिए, ये सब जो हो रहा है वो मेरी आई भीमा बाई कहीं ना कहीं से देख रही होंगी। जाने अनजाने में मुझसे या आपसे किसी भी औरत का अपमान हो गया तो सबसे ज्यादा बुरा उन्हें लगेगा। चीजा बाई सुन रही है? आप तीनों को कसम है मेरी, आज कोई नहीं रोकेगा मुझे। जीजा भाई गलत कर रही है, बहुत पछताएगी तू। आई 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 रुक जाइए भीम, तुम रोज अपने वो किताब में न्याय की बातें लिखते हो ना, तो आज उसमें ये जरूर लिखना कि जीजा भाई की न्याय की लड़ाई हार गए तुम। आई रुक जाइए। सुनिए ना, सुन तो सही। कोई नहीं रोकेगा मुझे, आज नहीं रुकूंगी मैं। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, आज ये चाल छोड़कर जा रही हूं मैं। क्योंकि सबकी न्याय की लड़ाई लड़ने वाला ये भीम मेरी न्याय की लड़ाई हार चुका है। इसलिए आज रुकूंगी नहीं मैं। रुक जाओ, ये सब जो हो रहा है वो मेरी आई भीमा बाई कहीं ना कहीं से देख रही होंगी। जाने अनजाने में मुझसे या आपसे किसी भी औरत का अपमान हो गया तो सबसे ज्यादा बुरा उन्हें लगेगा। जीजा भाई, मैं बहुत नाकारा पति हूं, तुम्हारी किसी भी खुशी को ना मैंने कभी समझा ना ही मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया। लेकिन फिर भी मैं सबके सामने
तुमसे हाथ जोड़ता हूं। रुक जाओ, इस घर को छोड़कर मत जाओ। ठीक है, रुक जाती हूँ। कल चलिए मेरे साथ बच्चा गोद लेने, रुक जाऊंगी मैं। बेटा, तुम्हारी ये बात सच है कि जाने अनजाने में मुझसे या तुमसे किसी औरत का अपमान होता तो भीमा भाई को बुरा लगता। इसलिए मैंने सबके सामने जीजाबाई से हाथ जोड़कर रुकने के लिए कहा। इससे ज्यादा संबंध में नहीं दे सकता, और सम्मान करने का यह तात्पर्य कभी नहीं होता कि हर बात मानी जाए, हर जिद मान ली जाए। और आज जीजाबाई, कल क्या, मैं कभी भी तुम्हारे साथ बच्चा गोद लेने नहीं आऊंगा। पापा ने हाथ जोड़कर रोका है, रुक जाइए ना। जीजा भाई, जैसे आज तक हम सबके साथ लड़ते झगड़ते आई है वैसे ही रहना, लेकिन घर छोड़कर मत जा। हाँ, ये गलत है, ये आप ऐसे घर छोड़कर मत जाइए। लक्ष्मी, नहीं, ना तुम्हें बोलने की जरूरत है और ना उनके पास जाने की। यही रहो। मैं सबके सामने तुमसे हाथ जोड़ता हूं, रुक जाओ। नहीं भीम, इस बार मत रोकना मुझे, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मुझसे माफी इसलिए मांगी क्योंकि भीमाबाई को बुरा लगेगा। इसमें मैं तो कहीं भी नहीं हूं, इसलिए इस बार मैं रुकूंगी नहीं। जीजाबाई, जीजाबाई सज्जन है, रोक रहे हैं, मत जाओ। जीजाबाई, रुकिए ना, भीम, उसे रोकने कोई नहीं जाएगा। जहां जाना चाहे जाए, कोई नहीं जाएगा।
नहीं किया बाबा आपने, और उन्होंने भी, आपको रुकना चाहिए था।